पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नया व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जी सुबह का कह लें, नाश्ते होने के बाद ये खाना बना था और बहुत ही मज़ेदार से जी दाल, चने की दाल, गोश्त, चावल, तंदूरी रोटियाँ और साथ में जी मामा ने बना के भेजा था चरंगड़िया और कीमा। तो यहाँ पे जो है मेरी जो नंद वो भी हेल्प करवा रही थी बनाने में। और साथ ही जी उसके बाद ये थोड़ा सा पुराना क्लिप है, ये दिसंबर का क्लिप है जब हम लोग बना रहे थे जी जिंजर ब्रेड के मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह कह लें, कुकीज़ बन रही थी ये। और यहाँ पे देखें जी सारे बच्चे माशाल्लाह से ज़ोर शोर से लगे हुए, और ये मेरे बेटे ने बहुत ही मज़ेदार सी कुकीज़ भी बनाई थी इस जिंजर ब्रेड के आटे के साथ। और आपको बताती चलूँ कि ये जो बना हुआ था, ये जो इसका जिंजर ब्रेड का जो ये आटा सा जो है जिससे कुकीज़ तैयार किए जा रहे हैं, ये बना बनाया लिया कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ये मैं घर में भी पहले ख़ुद बनाती थी और बहुत मज़े का घर में बनता है। क्योंकि ये जो बाज़ार से ख़रीदा जाता है ये बहुत ही मुझे आर्टिफिशियल सा लगता है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा देर निकालने के लिए वो लोग इसमें पता नहीं क्या कुछ डालते हैं। खैर, बच्चों की थोड़ी देर कह लें कि इन्जॉयमेंट के लिए हम लोगों ने ये बाज़ार से ही ले लिया था। और आप लोगों को दिखाती चलूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे सांचे हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, इनको रीयूज़ किया जाता है, धो के मैं रख लेती हूँ। पर नेक्स्ट ईयर जो है फिर बच्चे, मतलब एक एक्टिविटी कह लें कि हो जाती है कि सारे बच्चे फैमिली वगैरह मिलके बना लेते हो। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार से कुकीज़ तैयार हुए थे और यकीन करके गर्मा गर्म इतने ज़्यादा मज़े के थे कि बाहर से हार्ड थे और अंदर से सॉफ्ट थे। और ये मेरे बेटे ने बनाए थे माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें जी बैच डिफरेंट तैयार हो रहे थे, मेरे बेटी ने बनाया था और बीच में सारिम साहब भी थे और जोया बीबी भी थी, इन लोगों ने भी बड़े मज़ेदार से बनाए थे। और आपको बताती चलूँ कि जब ये गरम गरम होते हैं तो बहुत ही मज़े के होते हैं। और ये देखें जी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे पोर्शंस तैयार। और यहाँ पे फिर इनको जी डेकोरेट किया जा रहा था, ये लगाई जा रही थी इन पर आइसिंग शुगर और साथ में इनके ऊपर ये मुख्तलिफ जो हैं टॉफियाँ लगाई जा रही थी और बहुत ही मज़े के बने माशाल्लाह। बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया, काफ़ी इंतज़ार था बच्चों को ये बनाने का कि माना पीना आना था रहने के लिए, तो तब इन लोगों ने ये बनाना था। और यहाँ पे देखिए जी फ्रॉक तैयार हो रहा है लेडी डियाना का। और ये देखिए जी काफ़ी मज़ेदार से लग रहे हैं ये कुकीज़। और ये सारिम साहब जोश व खरोश से अपना जिंजर ब्रेड मैन जो है वह तैयार कर रहे हैं। और ईमान आपी भी बैठी हुई हैं, जोया आपी भी बैठी हुई हैं और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। ये बच्चों के लिए ही ये किया गया था कि बच्चे जो है अपने आप को मसरूफ़ रखें। और आपको पता है मज़ा आता है जब सारे बच्चे मिलजुल के बैठे हों तो। और साथ ही आपको मौसम भी दिखा रहे हैं, मौसम बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह और बर्फ़बारी भी हो रही है। और यहाँ पर मैं जी तैयारी कर रही हूँ आई थिंक नाश्ते की, ऑयल बॉयल करने लगी हूँ जी मैं अंडे। और जी साथ ही मैं यहाँ पे बेक करूँगी ब्रेड। ये बहुत ही मज़ेदार से बन से बने हुए हैं, डिफरेंट इनके ऊपर जो है तिल से लगे हुए हैं और ये बहुत ही मज़े के हैं, बहुत मज़ा आता है। ये डिफरेंट इनका टेस्ट है और ये जो है फ्रोज़न भी आप रख सकते हैं और उनको आप बना सकते हैं। ये जो थे मैंने अभी हम लोग ताज़े ले कर आए थे तो इनको बेक किया मैंने ओवन में। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से तैयार होते हैं ये। और मुख्तलिफ साथ में टॉपिंग्स हम लोगों ने रखी है, आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिंग्स लगा सकते हैं। चीज़ था और साथ में जैम था, अंडे थे और भी काफ़ी सारे जो। अब आपको मेहंदी दिखा रही हूँ जो अपनी बहुत ही प्यारी सी, अभी ये इसकी शुरुआत थी। और ये देखिए जी एक हाथ पे मैंने लगवाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत रंग आया था। और साथ में बातों बातों में हो गई जो ये हमारी चाय भी तैयार, बहुत ही मज़ेदार सी कड़क सी दूध पत्ती तैयार की हमने। और यहाँ पर जी हस्बैंड सर्व करने लगे हैं जी बच्चों को नाश्ता और सारी चीज़ें टेबल पर लगा दी गई हैं और अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं। और बताती चलूँ जी साथ ही मेरी जो है नंद वो बनाना चाह रही थी, पाई बना रही थी वो। और ये है जी हरा प्याज, उसका दोनों पार्ट जो उसको यूज़ किया जा रहा है, एक ये बहुत ही बड़ा सा हरा प्याज था उसको काट लिया गया। पैन में 2 टेबलस्पून हम लोगों ने बटर क्या ऐड किए या ऑयल डाल लें और बीच में ऐड कर दिया है प्याज। और ये ट्यूना फिश की पाई है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पर जी उसके पाई का क्रस्ट बन रहा है
बहुत इजी है। आपने डबल लेना है मैदा और उसका हाफ लेना है आपने बटर का, साथ ही में थोड़ा सा जलता है जी नमक। और ये देखें जी, बटर को आपने हाथों से जो है क्रम्बल कर लेना है, जिस तरीके से आप बनाते हैं समोसों की डो जिस तरीके से बनती है उसी तरीके से कह लें आप इसको बनाएंगे। अच्छी तरह से क्रम्बल कर लें जो बटर और मैदे को। और साथ ही मैं जी यहाँ पे स्टर कर रही थी अपने प्याज को, और यहाँ पे देख लें आप जिस तरह की आपकी एक मुट्ठी सी बननी चाहिए, तो फिर आपको पता है कि आपका बटर जो है वो ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसको गूंद लेना है, यानी कि गूंदने से मुराद है कि आपने इसको एक पाई डो की फॉर्म में ले आना है, यानी कि पानी आपने बिल्कुल आराम आराम से हल्का हल्का करके डालनी है। देखिए जी इस तरीके से कुछ आपकी जो डो है वो नज़र आनी चाहिए। और क्योंकि मुझे पाई फॉर्म जो है नहीं मिल रहा था, तो फिर हम लोगों ने दो दूसरे जो है बेकिंग ट्रे यूज़ किए छोटे वाले, दो हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना है अपने पाई के आटे को। और फिर आप अपने जो है पैन के अंदर इसको डाल लेंगे, और आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी इसको ऑयलिंग करने की, ग्रीस करने की आपको पैन की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो है अपने पाई को जो है उसकी डो को अच्छी तरह से बीच में फोल्ड कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह से उसको किनारों तक ले आना है। और यहाँ पे जी साथ साथ हमारा जो है मावा भी तैयार होने लगा जो पाई के अंदर जाएगा। ये ट्यूना फिश की पाई है, तो हम लोगों ने आधा कैन ट्यूना फिश का यूज़ किया है इसमें। और आपको बताते चलूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही झटपट रेसिपी है, तो एक मस्ट ट्राई है। और जिनको ट्यूना फिश पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी डिश है, और साथ सैलड हो और ब्रेड हो तो क्या ही बात है। और ये डाला जी बीच में सॉल्ट टू टेस्ट, और ये है जी काली मिर्चें, और उसी तरह से हमने दूसरे पेड़ को भी बना लिया। और यकीन माने कि ये दो अच्छे से साइज़ के, यानी कि ये छोटे पैन है तो मतलब पाई हम लोगों ने तैयार की। और ये देखें जी, फिर आप इसमें कांटे के साथ जो है इसमें सुराख कर लेंगे छोटे छोटे से, कि आपकी पाई जो है वो फूल के मतलब ख़राब ना हो, एक ही लेवल पे हो। और भेज जी एक बाउल में क्रैक कर लिया हमने अंडे, हाई में डले जी चार अंडे, और चार टेबलस्पून डले इसमें क्रीम के, और एक मुट्ठी चीज़ यानी कि हाफ कप चीज़, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। नमक चूंकि हम लोगों ने नहीं डाला क्योंकि वो हम ट्यूना फिश में भी था, और थोड़ा सा नटमेग डाला हम लोगों ने। और फिर पाई को जो है बेक कर लेना है, टेम्परेचर मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद जी आपने अपने मावा थोड़ा सा जवा ठंडा कर लेना और उसको ऐड कर देना है जी आपने अपने जो है क्रीम और एग और चीज़ मिक्सचर के अंदर। और अच्छे से मिक्स कर लें इसको, और चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल ठीक लग रहा था। और आप इसके अंदर और भी कुछ डाल सकते हैं, और साथ ही जी आपको रेसिपी देते हैं जी। रेसिपी तो खैर मैं नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ पे एक बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा जी केक, जो बाहर से हार्ड है और अंदर से जो है सॉफ्ट है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरी शेयर करूंगी। इसमें जाते हैं जी अंडे जाएंगे इसके अंदर, और मेल्ट किया हुआ चॉकलेट जाएगा, मैदा जाएगा, बटर जाएगा, चीनी जाएगी, और इसमें आई थिंक कोई बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं जाएगा क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, काफ़ी देर पहले की ये रेसिपी है। तो खैर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आई थिंक इसमें 5 अंडे डले थे, और चीनी आई थिंक तकरीबन 200 ग्राम चीनी थी, और यहाँ पे जो है जी मेल्ट करने लगे हम चॉकलेट को, 200 ग्राम्स ऑफ बटर, और यहाँ थोड़े से खौफनाक तरीके से बटर को जी काटा जा रहा है। और उसके बाद जिसमें ऐड किया गया तकरीबन ही 300 ग्राम कह लें चॉकलेट का, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, एक पूरा जो था चॉकलेट का 200 ग्राम्स का आई थिंक, और हाफ 250 आई थिंक इट वाज। और मेल्ट कर लेंगे इसको, और साथ ही आप ऐड करते हैं अपनी चॉकलेट।
और यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार ये बना था केक, और इसके साथ आइसक्रीम भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो है इसके साथ वनीला कस्टर्ड सा कह लें जो है वो इसके साथ उन्होंने सर्व किया था, और गर्मा गर्म केक था, और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार था। और ये केक आप पहले भी बना के रख सकते हैं और इसको हल्का सा गर्म कर लें और उसी तरह का उसी तरह ये होगा बिल्कुल, और बहुत ही आसान था ये केक बनाना, बहुत ही झटपट बन जाता है। यहाँ पे जी हल कर लिया हमने चीनी को और अंडे को अच्छी तरह से, और चीज़ पे ऐड हो रहा है मैदा, ऐसा ऐसे करके आप इसमें ऐड करेंगे मैदे को। और जिनको केक पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इसका पीस आप एक भी छोटा सा अगर खा लेंगे तो आप बहुत जो है ये बड़ा रिच केक है, तो एक छोटे पीस खाने से आप फुल हो जाएंगे। और ये एक छोटी सी सर्विंग बनती है, यानी कि कह लेंगे फिर भी आपने ज़ाहिर सी बात है छोटा छोटा पीस देना होता तो इससे काफ़ी सारी सर्विंग्स बन जाती हैं, यानी कि सर्विंग्स बना दे कि केक इतना बड़ा नहीं है। मोल्ड भी मेरी जो है नंद वो साथ लेके आई हुई थी, और ये देखिए जी सारा हो गया जी ऐड इसके अंदर मैदा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त बना ये, क्योंकि इसमें फुलाने के लिए कोई भी चीज़ आप ऐड नहीं करेंगे, और अपना जो आपने चॉकलेट जो मेल्ट किया चॉकलेट और बटर वो ऐड कर देंगे इसमें, ये सारी इंग्रेडिएंट्स यही हैं इसकी, इसमें ना तो दूध डला है और ना ही कोई बेकिंग पाउडर वगैरह, और यही वजह है कि इस केक का मतलब जो है हार्ड और सॉफ्ट होना। और बहुत ही ज़बरदस्त था केक माशाल्लाह। और ये देखें जी ये साथ साथ हमारी पाई की जो है क्रस्ट भी तैयार हो गई है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, और ये जी है नटमेग वो भी थोड़ा सा ऐड किया जी, इसका एक अपना ही जायका है, हमने थोड़ा कम डाला था क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि बच्चे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन इसका अपना एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर है। और ये जी हमने पोर कर दिया दोनों पाई के क्रस्ट के अंदर, और इसको भी बेक कर लेंगे, और यकीन माने कि बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़ेदार बना, सैलड के साथ आप सर्व करें इसको, और स्टार्टर के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये पूरा मील है। अगर आप कभी जो है जल्दी से कुछ आपको समझना हो रहा हो कि आपने क्या बनाना है, तो आप ये लंच के लिए भी बना सकते हैं या डिनर के लिए भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए जिनके बच्चे अगर फिश पसंद करते हैं खाना, तो खैर मुझे तो ये बहुत मज़े का लगा। और ये चला गया जी ओवन के अंदर, और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे, और साथ ही चलते हैं जी अपने केक की जानिब। और केक जो है ये हमने मतलब जो है वॉर्म यानी कि पानी इस डिश के अंदर डलेगा नीचे कि ये उससे पकेगा, मतलब अपनी भाप से पकेगा ये, तो ये एक बहुत ही मज़ेदार तरीका था, और इसी वजह से ये केक जो है मतलब बाहर से जो है सख्त था और अंदर से नर्म, और इस केक का नाम भी कुछ इसी तरह है सख्त और नर्म। और साथ ही जी आपको दिखाया मैंने हस्बैंड जो है बारबेक्यू की तैयारी करी थी, आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने सर्दी के मौसम में भी बारबेक्यू किया और बहुत मज़ा आया, और यहाँ पे जी ऐड हो रहा है गर्म पानी, और ये केक हो जाएगा तैयार, फिर आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाते हैं सर्व करते हुए भी। और ये देखें जी केक रख दिया, और ये होगी जी हमारी पाई तैयार, बहुत ही मज़ेदार बनी, बहुत ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये साथ में जी मैं बना रही हूँ चना चाट, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, मेरे बच्चों को सब घर वालों को बहुत पसंद है, यकीन करें कि मैंने एक बहुत ही बड़ा बाउल बनाया चना चाट का और एकदम से ख़त्म हो गया माशाल्लाह। और यहाँ पे इमली का पानी भी मैंने खुद बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा बना और बहुत मज़ेदार बनी ये चना चाट, सब ने मिलजुल कर कुछ ना कुछ तैयार किया था, तो बहुत मज़ा आया जब सब लोग मिलजुल कर काम करें। और ये देखिए जी हमारी टेबल सज चुकी है, और जलेबियाँ भी आई हुई हैं, और पाई भी तैयार है, उसके बाद चना चाट भी तैयार है, और केक भी बस अब ये देखें जी केक को हम करेंगे प्लेट में ट्रांसफ़र। और ये देखें जी वाह जी वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह वाह कमाल, ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार बना ये, अभी इसको थोड़ी सी जो है कसर थी वैसे पिद्दी सी पड़ा तैयार हो सके, साथ में बारबेक्यू देखिए जी मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू हस्बैंड ने तैयार किया, टिक्के थे और कबाब थे और साथ में रोटियां थी, और फिर जी आई बारी पिंक टी की,
बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत इंजॉय किया हम सब ने, प्यारों अपने प्यारों का साथ हो और मज़ेदार सा दस्तरखान सजा हो तो क्या ही बात है। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान को हमेशा इसी तरीके से सजाए रखे, आमीन सुम आमीन। और फिर आती है जी डिज़र्ट की बारी, और ये देखें जी कि एक बाहर से जो बहुत ही कह लें कि सख्त सा है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत मज़ेदार बना ये, बहुत ही रिच टेस्ट है इस केक का। ये देखें जी, वाह कमाल ज़बरदस्त। तो साथ में सर्व करेंगे इस पे वनीला सॉस, और हम लोगों ने तो थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी, तो बहुत ज़बरदस्त बना माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार केक था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे मेरी जो है नंद को, ढेर सारा प्यार उनके लिए और उनकी बेटी के लिए। बहुत मज़ा आया, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।